हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना, आज का नया दिन नई शुरुआत के साथ। तो आज हम पहुंच चुके हैं भाई अटल ब्रिज। तो अहमदाबाद की आन बान शान अटल ब्रिज के पास पहुंच चुके हम दो लोग हैं, और आज हमारे साथ आए हुए हैं जगदीश भगत बोलता है। जगदीश भाई कैसे हो? बस मस्त मस्त। और मैंने सुना आपने आईफोन 13 बाय कर लिया है। हाँ लिया ना, वो एलडी भाई ने गिफ्ट दिया है ना। टायर एलडी भाई देते, बाइक एलडी भाई देते, पेट्रोल एलडी भाई देते, सब कुछ एलडी भाई देते। हाँ एलडी भाई ने स्पॉन्सर करके रखा है ना। तो सामने जो रोड चल रही है वो है रिवर फ्रंट। अंदर आते ही आपको इस तरह से छोटा सा पार्किंग मिल जाएगा। तो यहाँ अपनी बाइक पार्क करने के बाद सामने रहा अटल ब्रिज। ये रहा अटल ब्रिज, यहाँ पर बहुत सारी जगह खुली। तो यहाँ पे टिकट काउंटर, तो यहाँ पर इस तरह से कोई टिकट का रेट है देख लेना। तो ये पहला काउंटर है जहाँ से आप ऑनलाइन टिकट परचेस कर सकते हो, और कैश से लेना है तो इस काउंटर से कर सकते हो। तो हमने तो भाई ऑनलाइन ले लिया टिकट। कितना टिकट का रेट है दो लोगों का? 60 रुपये। अब भाई शुरुआत करते हुए कहाँ से जाना है? वहाँ से भाई, तुम हर बार गलत हो, तुम्हारा रास्ता हर बार गलत होता है। ये आ गया अटल ब्रिज। भाई मैं अहमदाबाद में रहकर भी पहली बार आ रहा हूँ अटल ब्रिज पर। कैसे हो चाचा? साल मुबारक। चलो अपना टिकट चेक हो चुका है और पहली एंट्री करते हुए। पर भाई व्यू अल्टीमेट आ रहा है भाई, यहाँ से देखो भाई व्यू कैसा आ रहा है। और सर्दियाँ शुरू हो गया ना, जो मीठी मीठी सी ठंड लग रही है वो भी अल्टीमेट है यार। पानी की जो ठंडी हवा आ रही है। मोदी साहब के पास लाइन लगी हुई है भाई फोटो की। तो भाई ₹5 फोटो के ₹5। सामने अमूल स्टोर और यहाँ पर है हैवमोर का स्टोर। पर जगदीश भाई इतने कंजूस आदमी है कि एक फूटी कौड़ी हमारे पे खर्च नहीं करने वाले। कोई यार बहुत ज्यादा भाव है। अरे वो बाइक के टायर का क्या हुआ जगदीश भाई? फिर वो एलडी भाई ने स्पॉन्सर दिया और चेक फिर दिया हमने, तो टायर आ गया। साइड रिवर फ्रंट व्यू, सामने रिवर फ्रंट व्यू, और भाई बीच, और ये आपका भाई, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब जो हवा चल रही है ना वो बढ़िया है, बाकी धूप वाला मौसम होता है तो लग जाते हैं। और आपका भाई देखो कितना अच्छा दिख रहा है, और ये पूरा नारोल उससे। अरे कालिए वो बोलने की नारोल में हमारी फैक्ट्री है, वहाँ 2 करोड़ का हमारा टर्नओवर है। आ जाना नाश्ता। यहाँ पे लगा दी गई है बैरिकेड। पहले यहाँ पर कांच पे खड़े खड़े नीचे रिवर का व्यू ले सकते थे, पर अहमदाबाद की पब्लिक भाई एक नंबर। मोदी साहब ने सब कुछ बंद कर दिया। तुम्हें खड़े रहना है यहाँ पे? ना मैं खड़ा रहती तो अपन उस समय इतनी पब्लिक नहीं थी। अभी पब्लिक क्या है कि बहुत कुछ चीज को ज्यादा यूज कर लेती, तो फिर टूट गया, किसी को नुकसान हुआ, बोले ये हो गया वो हो गया, इसके लिए पब्लिक ने सरकार ने बैरिकेड लगा दिया। पर जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए बैरिकेड, वरना इसमें होल करके लाल पिचकारी मारते है। जु बोलो जुबा केसरी। नाश्ता करने के बाद पैकेट यहाँ पे, पानी की बोतल का ढक्कन यहाँ पे, और दूसरा ढक्कन, और ये एक और। फिर बोलते हैं बैरिकेड लग गया। जगदीश भाई क्यों फेंका वो पैकेट आपने यहाँ पर? खाना खा के कचरा यहाँ फेंक देते बड़ी। नहीं वो तो आपने फेंका ना वो पानी, वो पैकेट खाना खा के, वो पैकेट खा के तुमने क्यों फेंका यहाँ पे? सामने पड़ा हुआ है डस्टबिन, और यहाँ पे भाई कूड़ा कर रहे हैं। देखो आइसक्रीम खा के फेंका हुआ है, पानी का ढक्कन, ये ढक्कन, ये ढक, ये मतलब नाश्ता करके जगदीश भाई ने अभी अभी यहाँ पर फेंका है। डस्टबिन ये रहा, दूर नहीं है। तो आ चुके हैं भाई अटल ब्रिज से नीचे। भाई यहाँ पे मतलब देखो पानी कितना मस्त उछल रहा है। देखो ये मतलब ये कचरा नहीं होता ना पानी के अंदर, ये जो बोतल वगैरह, ये फूल का कचरा जो हम फेंक कर चले जाते हैं, हमारे जैसे ही लोग आते हैं, कोई जानवर तो फैलाता नहीं है। और ये कुछ अटल ब्रिज बाहर से लग रहा है, अंदर से खूबसूरत है कि बाहर से खूबसूरत है? बाहर से अलग ही नज़ारा, अंदर से भी अलग ही नज़ारा है, दोनों की अलग अलग खूबसूरती है। पर भाई इतना अच्छा फील नहीं आया, इससे अच्छा कोई मतलब ऐसे बाजू में लकड़िया ब्रिज है अहमदाबाद में, उनको पता है लकड़िया ब्रिज, वहाँ जाके बैठ जाना अच्छी बात है। 30 रुपये नहीं लगे। और अहमदाबाद की फेमस होटल पतंग होटल भाई ये रही, फिर बोलना नहीं हमने बताई नहीं थी।
और यहाँ से निकलते ही तुरंत जगदीश भाई हमको वहाँ पतंग होटल में पार्टी देने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डलाया अपने इंटरसेप्टर में न्यू टायर, स्पॉन्सर बाय एलडी राइडर। ना भाई ना, हो तो तुमने ही डाले 25,000 रुपए। तो मैंने डाले, पर पैसे कहाँ से? एलडी भाई से है ना, पैसे तो मैंने अपने हाथ से दिए। तो भाई मैं और जगदीश भाई लेके निकल चुके हैं भाई हायाबुसा वर्जन 3। तो कैसा लग रहा है जगदीश भाई? मजा आ रही है, पैडल नहीं मार रहा हूँ, मजा अपने आप जा रही है। टनल का व्यू, और हम दोनों भाई निकल चुके हैं साइकिल लेके पतंग होटल खाना खाने के लिए। क्या बोलते हो जगदीश भाई? साइकिल पे खाना खाएंगे, निकलेंगे तो हम होटल तो पतंग होटल जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि जगदीश भाई ने अपने इंटरसेप्टर में डला है नए टायर। क्या बोलते हो जगदीश? यही तो है इंटरसेप्टर। तो भाई सिंगल सिंगल साइकिल लेने से अच्छा मैं बोला दो ले लेते, पहले मैं पैडल मारूंगा बाद में तुम मार लेना, ऐसे थोड़ा थोड़ा तुम थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे तो करके चला लेंगे यार। मैं तो मार ही नहीं रहा, आराम कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है एलडी भाई साइकिल चला के? कैसा लग रहा है? देखो ये ऐसा ही होता है भाई, बीपी वाले थक गए। ये हम है, ये हमारी साइकिल है, और सामने अटल ब्रिज दिख रहा है। और मेरी जान ए गुज्जू भाई कहाँ घूम रहे हो? अकेले अकेले साइकिल पे आ जाओ, बीच में बिठा देंगे। हाँ बाहर आ चुके, तो वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। जगदीश भाई जा रहे हैं अपने घर और मैं भी निकल रहा हूँ घर। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।